हरियाणा में जीता हुआ चुनाव कांग्रेस कैसे हार गई, बीजेपी हारा हुआ चुनाव कैसे जीत गई, बरसों तक इस पर मंथन होता रहेगा। कांग्रेस की लहर दिख रही थी लेकिन लहर निकली बीजेपी की। भयंकर उलटफेर वाले इसी चुनाव में एक उम्मीदवार की ऐसी लहर चली जिसमें उड़ गई प्रचंड चुनाव जीतने वाली बीजेपी। गजब जीत की गजब कहानी है मामन खान की। मामन खान ने सबसे ज्यादा 98,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के नसीम अहमद को हराया है। विधानसभा चुनाव में करीब 1,00,000 वोटों से जीत बहुत बड़ी मानी जाती है। पूरे हरियाणा से 90 विधायक जीते लेकिन मामन खान जितनी बड़ी जीत किसी की भी नहीं हुई। हरियाणा के सबसे बड़े कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा भी मामन खान जितनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सके। मामन खान नूह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। बीजेपी से नसीम अहमद थे, तीसरे बड़े उम्मीदवार थे इनेलो के मोहम्मद हबीब। मामन खान की लहर ऐसी चली कि नसीम अहमद को सिर्फ 30,000 और हबीब को सिर्फ 15,000 वोट मिले। 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस विरोधी लहर थी तब भी मामन खान ने अपनी सीट निकाली थी। पिछले 1.5 साल से मामन खान हरियाणा में जबरदस्त वायरल थे। नूह में पिछले साल सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, तब से मामन खान हरियाणा की बीजेपी सरकार के निशाने पर थे। हरियाणा पुलिस ने मामन खान को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाला था। UAPA जैसी खतरनाक धाराओं में मामन खान को पुलिस ने जेल में डाला था। कांग्रेस ने मजबूती से मामन खान का बचाव करते हुए तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर से सरकार से अपील की थी कि मामन खान पर लगी धाराएं हटाएं, लेकिन खट्टर सरकार टस से मस नहीं हुई। मामन खान हरियाणा के सबसे क्वालिफाइड विधायकों में से एक है। राजनीति में आने से पहले मामन ने कर्नाटक की बैंगलोर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की। देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी DLF में नौकरी करने लगे। नौकरी छोड़कर उन्होंने कंस्ट्रक्शन सप्लाई की अपनी कंपनी शुरू की। अपने सेगमेंट में देश की बड़ी कंपनी मानी जाती है मामन खान की। इंजीनियरिंग बिजनेस करते हुए मामन खान ने राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। टिकट मिलने पर 2014 का विधानसभा चुनाव फिरोजपुर झिरका सीट से लड़ा। तब नसीम अहमद इनेलो के उम्मीदवार थे और उन्होंने मामूली अंतर से मामन खान को हरा दिया था। 2019 का चुनाव आते आते नसीम अहमद पार्टी बदलकर बीजेपी में आ गए। 2019 में फिर दोनों की भिड़ंत हुई। दूसरे मुकाबले में मामन ने नसीम अहमद को 37,000 वोटों से हराकर अपनी हार का बदला लिया और पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस में रहते हुए मामन खान निशाने पर आ गए कथित गौ रक्षकों के। वीडियो जारी करके धमकी मिली कि मामन खान विधानसभा में घुसने की गुस्ताखी ना करे। मामन खान ने बयान दिया था कि अगर एक विधायक इस राज्य में इन कट्टरपंथियों से सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद करते हैं। विवाद बढ़ते बढ़ते नूह हिंसा से जुड़ गया। जुलाई 2023 में गौरक्षा के नाम पर हिंसा भड़क गई, 6 लोगों की जान चली गई। आरोप लगा VHP बजरंग दल के धार्मिक जुलूस पर हमला करने का। 331 लोग संदिग्ध घोषित किए गए जिनमें सबसे विवादित और बड़ा नाम था मामन खान का। मामन खान को सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महीने भर जेल में रहने के बाद मामन खान जमानत पर रिहा हुए। साल भर बाद चुनाव में विस्फोटक जीत दर्ज करके मामन खान ने तहलका मचा दिया है। नूह की सभी तीनों सीट कांग्रेस ने जीती है। तीनों सीट पर मामन खान समेत कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने न केवल मामन खान को टिकट दिया बल्कि नूह आकर कांग्रेस के तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों आफताब अहमद, मामन खान और मोहम्मद इलियास के समर्थन में रैली भी की थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर नूह से गुजरे तो मामन खान ने पदयात्रा भी की थी। बीजेपी ने मामन खान को बार बार राहुल गांधी का करीबी बोलकर राजनीतिक कद बढ़ाया। ये सवाल उठाया कि नूह के दंगाई और मेवात से हिंदुओं को पलायन की धमकी देने वाले के साथ राहुल गांधी क्यों हैं? अब मामन खान अपनी विधानसभा सीट से बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर चुके हैं। 1,00,000 वोटों का अंतर है, ये बड़ी जीत है मामन खान के लिए या फिर किसी भी विधानसभा चुनाव में 1,00,000 से ज्यादा की जो अंतर होता है उसे बहुत बड़ा माना जाता है। इसी के साथ मामन खान ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहे न्यूज़ तक के साथ।